गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेंस टुडे वी विल कंटिन्यू द चैप्टर नाउ इन दिस पीरियड वी लर्न अबाउट द स्टेट्स ऑफ मैटर आज हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे ओके वॉट डू ट्रीज एयर एंड वाटर हैव इन कॉमन ट्रीज एयर और वाटर में क्या कॉमन है ट्रीज एयर एंड वाटर ऑल द ऑल मैटर्स बिकॉज दे हैव मास एंड ऑक्योपाई स्पेस ट्रीज़ एयर और वाटर के पास क्या होता है सारे क्या हैं एक तरह के हमारे सारे मैटर हैं जिनके पास अपना मास होता है अपना स्पेस होता है मतलब अपनी अपना स्पेस होता है अपनी जगह होती है और अपनी उनकी उनकी उनका मास मतलब वो कितने बड़े हैं कितना साइज़ है उनका उनका अपना साइज होता है बाई डू दे लुक सो डिफरेंट ये अलग अलग क्यों दिखाई देते हैं इफ़ दे आर ऑल मैटर यदि ये सारे मैटर हैं तो ये अलग अलग क्यों दिखाई देते हैं ट्रीज़ एयर एंड वाटर लुक डिफरेंट बिकॉज दे आर इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर ट्रीज एयर और वाटर अलग अलग हैं अलग अलग दिखाई देते हैं क्योंकि ये अलग अलग तरह के मैटर होते हैं क्योंकि जो मैटर होता है वो टाइप्स ऑफ उनके जो होते हैं वो टाइप्स होते हैं अलग अलग तरह के मैटर्स होते हैं मैटर एग्जिस्ट इन थ्री डिफरेंट फॉर्म्स कॉल्ड स्टेट्स ऑफ मैटर मैटर जो होता है वो तीन फॉर्म में पाया जाता है जिसे हम स्टेट्स ऑफ मैटर बोलते हैं सॉलिड लिक्विड एंड गैस आर द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड लिक्विड एंड गैस ये तीन स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं ये तीन टाइप्स होते हैं हमारे मैटर के ट्रीज आर इन दॉलिड स्टेट जिसमें कि ट्रीज क्या होता है हमारा सॉलिड स्टेट में आता है वाटर इज द इन वाटर इज़ इन द लिक्विड स्टेट वाटर हमारा क्या होता है लिक्विड स्टेट में आता है वेयर एज एयर इज़ इन द गैसेस स्टेज जबकि हमारी जो एयर होती है वो किस में आती है वो हमारी गैसेस स्टेज में आती है ओके okay? तो ये तीन टाइप्स होते हैं हमारे मैटर के फर्स्ट नंबर इज़ सॉलिड सेकेंड नंबर इज़ लिक्विड एंड थर्ड नंबर इज गैस ओके फर्स्ट नंबर इज़ सॉलिड्स वट इज़ दॉलिड्स सॉलिड्स क्या होते हैं सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप विच डज नॉट चेंज ईजली सॉलिड के पास क्या होता है अपना डेफिनेट शेप होता है जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल द शेप ऑफ ए बुक और अ टोई विल नॉट चेंज वैन मूवड फ्रॉम वन प्लेस टू एनअर जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर क्या होता है अगर एक बुक आप ले लीजिए या फिर कोई खिलौना ले लीजिए तो क्या आप उसको चेंज कर सकते हो आप उसको मोड़ सकते हो एक जगह से दूसरी जगह तक चेंज कर सकते हो नहीं बिकॉज दैट इज सॉलिड सॉलिड मैटर ओके आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो देन नाउ वट इज़ द लिक्विड्स अब लिक्विड्स क्या होते हैं लिक्विड्स डू नॉट हैव देयर ओन शेप लिक्विड्स का क्या होता है अपना खुद का कोई शेप नहीं होता है दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर कैप्ड वे उस शेप का उस कंटेनर का शेप ले लेते हैं जिसमें वे रखे जाते हैं वाटर कैप्ड इन अ ग्लास टेक द शेप ऑफ ए ग्लास वाटर क्या करते हैं वाटर को हम लोग अगर ग्लास में डाल देते हैं तो वो उस ग्लास का शेप ले लेता है इफ़ पोर्ड इंटू अ कप अगर मान लीजिए हमने वाटर को एक कप में डाल दिया तो वो कप का शेप ले लेगा इट विल टेक द शेप ऑफ द कप तो वो क्या करेगा कप का हमारा शेप ले लेगा इफ अ ग्लास ऑफ वाटर फॉल्स ऑन द फ्लोर अगर मान लीजिए पानी हमारा ज़मीन पे गिर गया तो क्या होगा वो ज़मीन पर फैल जाएगा वाटर इज इन वाटर इन द ग्लास विल स्प्रेड ऑन द फ्लोर लिक्विड्स फ्लो फ्लो इजली एंड कैन बी पोर्ड फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर अगर वाटर हमारा ज़मीन पर फैल गया फर्श पर फैल गया तो हम उसको एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में नहीं शिफ्ट कर सकते हैं नहीं ले सकते हैं बिकॉज मिल्क ऑयल एंड वाटर आर द एग्ज़ाम्पल ऑफ लिक्विड्स और इस तरह से क्या होता है मिल्क ऑयल और जो वाटर होते हैं वो हमारे लिक्विड्स के एग्ज़ाम्पल होते हैं ओके okay? <coughs> तो दीज आर लिक्विड्स नाव वट इज द गैसेस गैसेस क्या होती हैं गैसेस आर मैटर एज दे हैव मास एंड ऑक्युपाई स्पेस गैसेस क्या होती हैं गैसेस के पास अपना मास और अपना इस्पेस uh, अपना गैसेस आर मैटर गैसेस वे मैटर हैं दे हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस जिनके पास अपना मास और स्पेस होता है वी डो नॉट जनरली सी गैसेस बट कैन फील और स्मेल दैम हम उनको महसूस तो कर सकते हैं बल बट उनको देख नहीं सकते हैं स्मेल कर सकते हैं फील कर सकते हैं एग्जाम्पल ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कि हमारी जो गैसेस होती हैं वो क्या करती हैं उनको हम लोग जिस भी स्पेस में उनका स्पेस बहुत बड़ा होता है उनका स्पेस आप नहीं पता कर सकते हो कि गैसेस हमारी कितने स्पेस में हैं उनका मास कितना बड़ा है ओके जैसे कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड दीज आर गैसेस वाटर वेपर दीज आर गैसेस ये भी हमारी गैस फॉर्म में आती है ओके गैसेस डू नॉट हैव एनी डेफिनेट शेप एंड साइज गैसेस का अपना कोई डेफिनेट शेप और साइज नहीं होता है दे स्प्रेड अराउंड इन ऑल डायरेक्शन ये हर डायरेक्शन में फैल सकती हैं गैस कैप्ट इन अ क्लोज कंटेनर विल स्प्रेड एंड ऑकुपाई द इंटायर कंटेनर गैस को हम लोग एक क्लोज कंटेनर में गैस कैप्ड इन अ क्लोज्ड कंटेनर विल स्प्रेड एनओकोपाइज द इंटायर कंटेनर इफ द कंटेनर इज नॉट क्लोज द गैस विल इज कैप अगर गैस को आप किसी कंटेनर में बंद करते हो तो क्या होता है अगर कंटेनर आपका बंद रहा तो, तो गैस उसमें बनी रहेगी अगर गैस का कंटेनर अगर आपका खुला रहा तो गैस आपकी वहाँ से निकल जाएगी एयर फिल्ड इन एयर फिल्ड इन अ बैलून स्प्रेड एंड ऑक्यूपाइज द इंटायर बैलून मान लीजिए एयर को हमने किसी बैलून में भरा तो वह क्या होती है वह एयर हमारे बैलून का शेप ले लेती है एयर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन एंड स्टीम आर द सम एग्जाम्पल ऑफ गैसेस और हमारे गैसेस के एग्ज़ाम्पल्स क्या होते हैं एयर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन और स्टीम ये सारे हमारे गैसेस के एग्ज़ाम्पल हैं नाउ इट हैज़ फिनिश्ड एंड टुडेज योर वर्क इज वॉज द वीडियो एंड रीड द चैप्टर